तो वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो बस 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 के बारे में बात कर रही थी, फिल्म का बस खत्म हो रहा है। क्या है कि कुछ लोगों ने एक परसेप्शन बनाया हुआ है, जब डंकी का ड्रॉप वन आई है उसके बाद एक परसेप्शन बना हुआ है कि ये भाई थोड़ा सा ढीली टाइप फिल्म रहेगी, ठंडी फिल्म रहेगी। तो वो परसेप्शन मैं एक चीज़ बोलकर क्लियर कर सकता हूँ कि भारत का सबसे तगड़ा डायरेक्टर उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है, सबसे खतरनाक लेवल का डायरेक्टर। और राइट नाउ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल सुपरस्टार, ओपनिंग मतलब कुछ भी बना दो ओपनिंग 50 करोड़ की लगने वाली है, वो सुपरस्टार भी उस फिल्म के अंदर है। तो और क्रिसमस ऐसा टाइम एंड स्लॉट है जहाँ ओवरसीज़ के जो लोग हैं वो मोस्टली कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अवतार का तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों ने ले ही लिया होगा, अवतार 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ओपनिंग जीरो लेवल पे होती है उनकी और ग्रॉसिंग जो है वो टॉप फर्स्ट सेकंड की जितने भी फिल्में सबको पार कर चुकी है। तो क्या है कि ओवरसीज़ के अंदर फॉरेन जो लोग हैं वो लोग क्या है कि वो लॉन्ग रन जो फिल्म्स होते हैं वो लॉन्ग रन फिल्म्स को ही मतलब ज़्यादा देखना पसंद करते। तो डंकी फॉर श्योर वहाँ पर 2-3 महीने तो तक श्योर एंड श्योर शॉट चलना तय। तो डंकी का बस को लेकर बहुत लोग, बस, ट्रक, बुलडोजर, ट्रैक्टर सब आएगा अभी, क्योंकि ट्रेलर डंकी का जो है वो नेक्स्ट वीक में आने वाला है फॉर श्योर। ये आने वाला है एक आई गेस 10 दिन के अंदर अंदर अपन लोगों को ट्रेलर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज सेंसर रिपोर्ट आ गए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि क्या सीन हुआ है वहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसके बाद वो वीडियो डालूंगा। तो डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि जब रिलीज़ होगा फॉर श्योर, उसके बाद सीन ये हो जाएगा कि जो फिल्म का जो कुछ लोगों के हिसाब से बस कम है तो वो बस भी जो है वो रेड चिलीज टेक केयर कर सकती है, वो कर लेंगे वो लोग। जब ट्रेलर रिलीज़ होगा उसके बाद जिस लेवल में इस फिल्म का डिस्ट्रक्शन, इस फिल्म का हाइप बढ़ेगा, क्यों पता है? बिकॉज राजकुमार हिरानी का क्या है कि जितने भी फिल्म शूट आकर चेक कर लो, PK हो या संजू हो, वो क्या है कि ना मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ को सीक्रेट रखते हैं, चाहे अभी वो टीज़र हो, मोस्टली वो ट्रेलर्स में भी वो क्या है कि वो सीक्रेट ही रखते हैं। PK का जो ट्रेलर है उसको देखकर किसी को भी समझ मतलब ये सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि वो बंदा स्पेसशिप से एलियन है वो। तो क्या है कि वो सारी चीज़ें सीक्रेट ही रखते, बट ट्रेलर के अंदर भी हाफ सेक्शन के बाद इमोशंस इतने दिखाए जाते हैं, ढट कट्स में इतने इमोशंस दिखाए जाते हैं। अगर वही इमोशंस, अगर वही चीज़, वही सेक्शन, वही अपियरेंस अगर इसके ट्रेलर में दिखा दिया ना भाई, विथ शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ, वो सारे अपियरेंस के साथ दिखा दिया ना भाई, तो फिर भूल जाओ फिर जो अपन जो सोच रहे हैं ना कि जो बज़ नहीं है भाई। शाहरुख खान की फिल्म की पहले बात तो बस को बस, ट्रक, बुलडोजर, ये सब का ज़रूरत है नहीं। फिर भी जो बज़ नहीं की बात कर रहे हैं, वो बज़, ट्रक, एरोप्लेन सब हो जाएगा, सब आ जाएगा उसका। वो इस लेवल में, इस डिस्ट्रक्शन लेवल में आएगा कि भाई फिल्म हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही फिल्म चलेगी। क्योंकि क्या है ना, अपन लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्थ साइड में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का नाम ही, राइट नाउ अभी ऐसा है कि शाहरुख खान का नाम ही है, उतना ही काफ़ी है, फिल्म के साथ लग गया, शाहरुख खान की फिल्म है, अरे तीसरी फिल्म ला रहा है, हाँ चलो देखते, बस इतना ही बात, ख़त्म भाई। और सबको पता चल गया, हज़ार सिर्फ ये क्रेडिट चोर, ये मतलब ये और एक क्या वो कम्युनलिस्ट और ये 3-4 गैंग वाले, इन लोगों के हिसाब से ये कॉरपोरेट क्या क्या वर्ड ये लोग बोलते हैं वो इनके हिसाब से ही है। बाकी ये लोग सेक्शन सिर्फ 20% है पूरी दुनिया के अंदर में, ये सब लोग मिलाकर ही पूरे 20% है, बाकी 70% 80% को तो पता भी नहीं है ये सब कुछ, ये फालतू नेगेटिविटी सब पता भी नहीं है। तो ट्रेलर आने के बाद, जो ऑफिशियल ट्रेलर जो नेक्स्ट वीक आ जाएगी, फॉर श्योर शॉर्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगी, वो आने के बाद फिल्म का बस जो है वो एवरेज हो, मॉडरेट हो, कहीं पे भी हो, इतना है कि जितना अभी है उससे डबल हो जाएगा, उससे डबल, क्योंकि रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स फाड़ू लेवल पे आ रहे हैं ट्रेलर को लेकर। फुल इमोशंस, फुल कैरेक्टर्स को डिफाइन करना, कैरेक्टर्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट देना, पूरे के पूरे परफेक्टली दिखाया गया है, बोल रहे हैं वो, तो मैं एक लंबा वीडियो बनाता हूँ वो क्या क्या सीन किया गया करके। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वेट करो भाई, वेट करो, इतना जल्दी मतलब क्या है कि ना, अपन एक एक्शन फिल्म के साथ क्या है कि ये फिल्म एक्शन फिल्म के साथ ये कर रही है, बैटल कर रही है, और जिसमें कि सारी ताकत उन लोगों ने लगा लिया है, बट स्टिल क्या है कि चांसेस ये है, ओवरसीज प्रिफर्स लॉन्ग रन कंटेंट फिल्म, एंड नॉर्थ के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टारडम बहुत ज़्यादा है शाहरुख खान का, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, द मेन बैटल इज़ एट नॉर्थ,
हिंदी जो बेल्ट बेल्ट बोल रहे हैं वहाँ पर ही ये फिल्म जीतेगी, ऐसा मतलब चैलेंज लग रहा है यहाँ पर। तो चलो देखते हैं, चैनल भी मेरा यहीं पे है, मैं भी यहीं पे हूँ, तो लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज बहुत सारा नेगेटिविटी पूरा चैनल में भर गई है जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम, मैं किसी को डिफेम नहीं, कोई भी फिल्म को डिफेम नहीं कर रहा, मैं किसी फिल्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ द थिंग। सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो ज़्यादा डिजर्विंग है, वो लोग पहले आए, उन लोगों ने रिलीज़ पहले किया है, एंड दैट फिल्म इज़ लाइक हाई कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म। बाकी मार धाड़, उसका घुसंड मारना, उसका गला दबाना, वो सब अपन लोगों ने बहुत देख लिया है, तो नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड एट ऑल। तो मिलते हैं अपने अगले, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं।